Yeah! <laughs> दोस्तों तो कैसे हो आप लोग आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे तो आज हम बात करेंगे ट्वाइस की डांसिंग मशीन मोमो की तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं मोमो की अर्ली लाइफ की पर उससे पहले मुझे आपसे एक बात करनी है यार आप लोगों में से बहुत से लोग हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ यार मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यार इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी लाती रहूँगी एंड थैंक्स फॉर लव आपने इतने सारे सब्सक्राइबर्स दिए हैं मुझे आपका ही प्यार है तो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के मोमो की लाइफ की मोमो का जन्म क्योटो जापान में 9 नवंबर नाइनटीन को हुआ इनका पूरा नाम हिरेई मोमो है ये ट्वाइस की तीन मेंबर में से एक जैपनीज मेंबर हैं इन्होंने डांस करना तीन साल की उम्र से स्टार्ट कर दिया था इनका इनके साथ इनकी बड़ी बहन हाना भी डांस करती थी अब बात करते हैं मोमो के करियर की वैसे तो मोमो पहले से ही कोरियन इंडस्ट्री की पहचान में थी वे कोरियन सिंगर लेक्सी की म्यूजिक वीडियो में अपेयर की गई थी और 2011 में टैलेंट शो सुपरस्टार के में भी वो अपेयर हुई थी अब बात करते हैं कि मोमो जे द्वारा कैसे सिलेक्ट हुई 2012 में मोमो और उनकी बड़ी बहन हाना ने ऑनलाइन ऑडिशन दिया था उन्होंने एक वीडियो डाला था जहाँ से जेवाई ने उन्हें सपोर्ट किया और दोनों को ऑडिशन देने के लिए बोला पर मोमो ही पास हुई और अप्रैल 2012 में वे साउथ कोरिया चली गई 2015 में मोमो ने साउथ कोरियन रियलिटी शो 16 में भी पार्टिसिपेट किया था वैसे तो वो एलिमिनेट हो गई थी पर जेवाई ने उन्हें एंड पर वापस बुलाया और उसके बाद उन्होंने ट्वाइस ज्वाइन कर ली और इन्होंने अक्टूबर 2015 में ऑफिशियली अपने एक्सटेंडेड प्ले द स्टोरी बिगिंस के साथ के लीड सिंगर लाइक ऊ आ के साथ अपना डेब्यू किया 2018 के Gallup Korea's Annual Music Poll में Momo 20th most popular idol के लिए वोट की गई थी Momo का twice को बेस्ट आंसर कंसीडर किया जाता है इनका एक निकनेम भी है वो है आपको पता ही होगा क्या हो सकता है डांसिंग मशीन ये अब बात करते हैं Momo की पर्सनल लाइफ की अगर पर्सनल लाइफ की बात करूं तो JYP एंड ST लेबल ने जनवरी तो 2020 को कंफर्म किया था कि मोमो और सुपर जूनियर के किम हीचूल डेटिंग कर रहे हैं पर जुलाई 2021 को दोनों लेबल्स ने यह कंफर्म किया कि उनका ब्रेकअप हो गया है मोमो सच में एक क्यूट और कॉन्फिडेंट केप ऑफ आइडल है तो अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की फैक्ट नंबर वन मोमो का जोड़ियक साइन स्कॉर्पियो है फैक्ट नंबर टू मोमो का फेवरेट पॉकीमोर्न साइड है और जिकजेगून है फैक्ट नंबर थ्री मोमो कहती हैं रेन ने उन्हें केपॉप सिंगर बनने के लिए इंस्पायर किया था फैक्ट नंबर फोर मोमो को रोलर कोस्टर और फायर वर्क से डर लगता है फैक्ट नंबर फाइव मोमो को डॉग से एलर्जी है और जब भी वो डॉग फर को टच करती हैं तो उन्हें एलर्जी हो जाती है फैक्ट नंबर फाइव जब मोमो का अपना फर्स्ट पेचक मिला था तब उन्होंने बहुत सारी डिलीशियस चीज़ें खाई थी तो आज के लिए इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर हाँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें सो so मुझे पता लग सके कि वीडियो आपको पसंद आई है कि नहीं और मैं आपकी हर विश पूरी करूँगी अगर आप चैनल पे कोई भी कमेंट करोगे तो मैं आप कोशिश करूँगी कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ और एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे सी यू इन नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग